प्यारे विद्यार्थियों, 8वीं जमात की अंग्रेजी की किताब इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन उस दा लेसन नंबर 5 दी वर्ब इस वीडियो विच करन शुरू शुरू करन जा रहे हां। सो इस वीडियो विच इहदियां पहलियां एक्सरसाइजेज 1 2 एंड 3 असी करांगे। सो तुसी सारे नोटबुक अते पेन ले लो, आंसर्स नू नोट डाउन कर लो, पर मगरों दी इन्हां एक्सरसाइजेज नू बिना देखे अपने आप करन दा अभ्यास जरूर करो। ते जिहड़ी एक्सप्लेनेशन बोल के दिती जाएगी उन्हें बड़े ध्यान दे नाल सुनो, ताकि तुहानू एक्सरसाइजेज दे जिहड़े सोल्यूशनस ने हल ने वो चंगी तरह समझ आ जाण, ते तुसी मुड़ के बिना देखे अपने आप करन जोगे इन्हां नू हो जावो। सो आओ शुरू करिए। एक्सरसाइज वन कहिंदी से वैदर दी वर्ब्स इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। सो प्यारे बच्चों, की जिहड़ी वर्ब्स ने मुढ़ले तौर ते दो किस्म दियां हुंदियां, ट्रांजिटिव ते इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब कहड़ी हुंदी है जिहदे विच जो एक्शन है, वर्ब है, वो पास ओवर हो जाती है सब्जेक्ट तो लैके ऑब्जेक्ट तक। ऑब्जेक्ट जिहड़ा है वो कोई बंदा भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, ठीक है। पर जिहड़ा इनट्रांजिटिव वर्ब है ओहदे विच जिहड़ा एक्शन है, वर्ब है, वो पास ओवर नहीं हुंदी, ओहदे विच ऑब्जेक्ट नहीं हुंदा। इनट्रांजिटिव वर्ब या तो एक किस्म की कोई स्टेट होंगी है, किसी किसी सिचुएशन की हालत होंगी है, कोई अवस्था होंगी है, तो या जो एक्शन है वो अपने आप सब्जेक्ट के नाल ही कंप्लीट हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट कोई नहीं होंगे, ठीक है। सो असं यह देखना कि ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट होएगा तो इनट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होएगा। हूँ यदा एक नुकता है, मैं तुम्हें स्टार्टिंग तो पहले दस देव नुकता है वे कि जिहड़ी वर्ब जिथे खत्म हो जाती है उस तो बाद तुसी पुछो, मैं तुहानू कर करके दसांगा भी कि की या कौन, मतलब वट और वैन, सॉरी वट और हूम। ते जे ते उहदा जवाब मिल जाए फिर वो जवाब होएगा ऑब्जेक्ट। हूम दा जवाब होएगा ऑब्जेक्ट बंदा, ते वट दा जवाब होएगा ऑब्जेक्ट कोई वस्तु, ठीक है। जे ते जवाब मिल जाता है सेंटेंस दे विचों फिर ते वो हैगी ये ट्रांजिटिव वर्ब, नहीं तो हैगी है इनट्रांजिटिव वर्ब। आओ हम एक एक करके दसीए। ते ए देखो, ही किल्ड आ स्नेक, हुण किल्ड की है, ए वर्ब हैगी है, ठीक है। ही किल्ड, उन्हें मारिया, ते किनू मारिया, ही किल्ड वट आ स्नेक, जवाब मिल गया ना, उन्हें सप्प नू मारिया। यदा मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब है, यह जी किल्ड जी हैगी है एक्शन जड़ा है वो स्नेक ते पास ओवर हो गया भी उन्हें सप्प नू मारिया। सो स्नेक जड़ा है आ स्नेक, ए स्नेक बन गया ऑब्जेक्ट, ते ट्रांजिटिव वर्ब हैगी है किल्ड, ए ट्रांजिटिव वर्ब हैगी है, ठीक है। फिर आ गया द फायर बर्न्स ब्राइटली, अग बड़े चमक दे नाल भखदी पई है। हुण देखो दी फायर बर्न्स हैगा, बर्न्स मने जल्दी पई है, अग भखदी पई है, पर अगे कुछ है, अग किनू भखदी पई है, अग की भखदी पई है, कोई जवाब नहीं मिलता। ब्राइटली ए चमक दे नाल, ब्राइटली दे एडवर्ब हैगी है, ब्राइटली एडवर्ब है। सो इत्थे कोई ऑब्जेक्ट नहीं हैगा। द फायर बर्न्स वट, कुछ है ही नहीं अगर जवाब। द फायर बर्न्स हूम, कुछ नहीं हैगा। सो ए इनट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। फिर आ गया बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, पंछी हवा विच उड़ते हैं, फ्लाई वर्ब हैगी है, पर कैड़ी वर्ब हैगी है। हुण पुछो बर्ड्स फ्लाई वट, कुछ नहीं पता लग रहा। बर्ड्स फ्लाई हूम, कुछ नहीं पता लग रहा। इन द एयर, ए तो हैगी एडवर्ब हैगी है, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, सो इत्थे ऑब्जेक्ट नहीं हैगा, सो इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। फिर आई ड्रिंक, मैं पीना हाँ कि टी। हुण देखो आ गया ना, टी आ गया, ए की हैगा ड्रिंक वर्ब हैगी है, मैं पीना हाँ, मैं की पीना हाँ, मैं चाह पीना हाँ। आई ड्रिंक वट, आई ड्रिंक टी, सो जवाब मिल गया, टी ऑब्जेक्ट हो गया, ते ट्रांजिटिव वर्ब है, ड्रिंक ट्रांजिटिव वर्ब है। फाइव टाइम्स अ डे, ए तुहाडा एक किस्म का हो गया एडवर्बियल क्लॉज हो गया, ठीक है। मैं चाह पीना, पर किन्नी बार पीना, फाइव टाइम्स अ डे, एक किस्म का एडवर्बियल क्लॉज हो गया। सो इन्हें तुम छड़ दो, यह देखना आई ड्रिंक, इतने वर्ब हो गई आई ड्रिंक वट, आई ड्रिंक टी, सो टी ऑब्जेक्ट है, ए ट्रांजिटिव वर्ब है। सो जिथे ऑब्जेक्ट आ जाए, जिथे
वट हुम का जवाब मिल जाए वो ऑब्जेक्ट होएगा तो ट्रांजिटिव वर्ब होएगी। अगे देखिए, अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी। अ ब्लाइंड मैन सब्जेक्ट है, कैन नॉट सी की है वर्ब है। अगे कुछ है, कैन नॉट सी वट, कैन नॉट सी हुम, कुछ नहीं है। अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी ए किस्म की स्टेटमेंट है, एक कथन है, एक हालत है। सो कुछ नहीं है। सो कैन नॉट सी अपने आप विच सब्जेक्ट के नाल ही वर्ब कंप्लीट हो गई, देर इज नो ऑब्जेक्ट, सो है इनट्रांजिटिव वर्ब हैगी। ठीक है, ही केम वर्ब हैगी है, केम। ही केम हेयर लास्ट नाइट, बस खत्म हो गई गल, कितने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ही केम वट, वो की आया, गल तो नहीं बनती कोई, वो कौन आया, कोई गल नहीं बनती। ही केम वट, ही केम हूम, यदा कोई जवाब नहीं मिलता। सो ही केम हेयर लास्ट नाइट, ए भी एक किस्म की स्टेटमेंट हैगी है, सो यदा इनट्रांजिटिव वर्ब। इट्स अ काइंड ऑफ स्टेट, या मतलब जरा एक्शन हैगा वो ही दे नाल कंप्लीट हो गया। ही केम हेयर लास्ट नाइट, हेयर वर्ब अपना तुहाडा एडवर्ब हो गई, लास्ट नाइट एडवर्बियल क्लॉज हो गया। ही केम हेयर लास्ट नाइट, सो वो कदों आया, वो की आया या कौन आया, गल नहीं बनती। ठीक है, सो इंट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज देर इज नो ऑब्जेक्ट। शी हैज़ लॉस्ट, हुन हैज़ लॉस्ट वर्ब हैगी है, वो गवा बैठी है, की गवा बैठी है, हर बुक्स, अपनियां किताबां। जवाब मिल गया ना, शी हैज़ लॉस्ट, वो गवा बैठी है। शी हैज़ लॉस्ट वट, वो की गवा बैठी है, तो जवाब मिलेगा हर बुक्स। सो हर बुक्स की हो गया ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट हर बुक्स हो गया। यह मतलब कि लॉस्ट जरा है, हैज लॉस्ट ए ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, फिर ही वॉकड 20 माइल्स, वो 20 मील तुरया, गल खत्म हो गई, तुरया तो ही वो एक्शन खत्म हो गया। वो की तुरया, वो कौन तुरया, यदा कोई गल ही नहीं बनती, यदा कोई जवाब ही नहीं मिलता सानू। ही वॉकड वट, ही वॉकड हूम, कोई गल नहीं मिलती। सो ही वॉकड 20 माइल्स, बस वो तुरया, सो इनट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज देर इज नो ऑब्जेक्ट। ठीक है, अ वूमेन केम, एक औरत आई टू बाय टी, चाह खरीदण। अ वूमेन केम, हुन केम की है वर्ब है, इतने तक वर्ब खत्म हो गई, हुन अगे पूछो सवाल, अ वूमेन केम वट, कोई गल नहीं बनती। अ वूमेन केम हूम, कोई गल नहीं बनती। है कुछ ना, ही केम हेयर लास्ट नाइट, है अ वूमेन केम टू बाय टी। सो यह जी वर्ब है, एक्शन है, ये नाल पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अगे इन पूरा करने लिए सानू कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। सो यह है इनट्रांजिटिव वर्ब। यू शुड टीच, तुहानू पढ़ाना चाहिए है, पर इत हिम उनू अ लैसन। हुण बच्चों, हिम है इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट, अ लैसन है डायरैक्ट ऑब्जेक्ट। तुहानू उनू सिखाना चाहिए है कि एक सबक। सो जवाब मिल गया, यू शुड टीच हिम, तुहानू उनू दसना चाहिए है कि वट। यू शुड टीच वट अ लैसन। यू शुड टीच हूम हिम। सो इतने दो ऑब्जेक्ट है ने, हिम है इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट, अगली एक्सरसाइज में आएगा इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट तो डायरैक्ट ऑब्जेक्ट। अ लैसन है डायरैक्ट ऑब्जेक्ट, हिम है इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट। सो यह जी टीच, शुड टीच वर्ब हैगी है, यह पास ओवर हो रहा है अ लैसन। सो अ लैसन जरा है ऑब्जेक्ट है, तो ट्रांजिटिव वर्ब जी है शुड टीच हैगी है, सो इट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज अ लैसन। मैं एक एक बस जो डायरैक्ट ऑब्जेक्ट में उही लिखे है, वैसे दो ऑब्जेक्ट ने इतने, हिम जरा है इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट है, अ लैसन डायरैक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगे चलिए, हुण आ गई एक्सरसाइज नंबर टू, कहते पॉइंट आउट द डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आ गया ना उही गल बच्चों, ज़्यादातर जरा इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट होएगा ना, वो कोई बंदा होएगा, कोई इंसान होएगा, कोई जीव होएगा। तो इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट है वो जड़ी कोई चीज़ है दिती जा रही है। ठीक है, कोई वस्तु का नाम होएगा, बस ऐसा थोड़ा ख्याल रखना है। ही आस्ट मी आ क्वेश्चन, अर्थात ही आस्ट आ क्वेश्चन टू मी, मैनू पूछा। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होएगा क्वेश्चन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। ठीक है, फिर मीना लेंट हिम 20 रुपीज़, अर्थात मीना लेंट
20 रुपीज। मीना ने वीर पे उधार देते, सो की देते उधार वीर पे, सो 20 रुपीज हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ते केनू देते हिम टू हिम, सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हिम। ठीक है, द टीचर टॉट अस अ न्यू लेसन, अर्थात अध्यापक ने सानू नवा सबक पढ़ाया, अध्यापक ने पढ़ाया कि नवा सबक, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा थोड़ा सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा न्यू लेसन, ते किनू पढ़ाया सानू पढ़ाया अस, सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस। ठीक है, देखो तो हर जगह देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्यादातर बंदे ने, ए मी मैनू हिम उनू अस सानू। ठीक है, माई अंकल गेव मी अ गिफ्ट, अर्थात माई अंकल गेव अ गिफ्ट, एक गिफ्ट दिता, सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया गिफ्ट, ते किनू दिता मैनू दिता मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया मी। ठीक है, अगे चलिए, फिर आ गया यू शुड बाय योर सेल्फ न्यू शूज, अर्थात यू शुड बाय न्यू शूज, तुहानू नवे बूट खरीदने चाहिए हैं, नवे जोड़े खरीदने चाहिए हैं, सो न्यू शूज की हो गया वस्तु, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो किनू खरीदना चाहिए यूअर सैल्फ, तुहानू अपने आप लई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया यूअर सैल्फ, तुहानू अपने लई नवा जोड़ा खरीदना चाहिए है। विल यू मेक मी अ कप ऑफ टी, अर्थात विल यू मेक अ कप ऑफ टी, कि तुसी एक कप चाह दा बनाओगे, किहदे लई बनाओगे, मेरे लिए, सो मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ कप ऑफ टी हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कितना सौखा बच्चे हो। ठीक है ना, तो देखिए जाओ बड़ी सोहनी तरतीब है, जो बंदे ने जीव ने वो हैगे ने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जिहड़ी चीज़ हैगी है वस्तु हैगी है वो हैगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई गेव मैं दिता कि आ स्टोरी बुक, मैं एक कहानी की किताब दिती, सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया आ स्टोरी बुक, किनू दिती सविता नू दिती, आई गेव सविता आ स्टोरी बुक, सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया सविता, कुड़ी का नाम है। गौरव आस्क हर आ क्वेश्चन, गौरव आस्क वट, की पूछया आ क्वेश्चन, सो डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया आ क्वेश्चन, किनू पूछया हर उनू पूछया, सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हर। ठीक है, कैन यू गिव अस योर एड्रेस, कैन यू गिव वर्ब हो गई, कैन यू गिव दे सकते हो कि एड्रेस, यूअर एड्रेस, सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया यूअर एड्रेस, किनू दे सकते हो सानू अस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया अस। ठीक है, फिर आ गया द फार्मर सोल्ड मी हिज हाउस, द फार्मर सोल्ड किसान ने वेचिया, की वेचिया हिज हाउस सॉरी हिज हॉर्स, अपना घोड़ा वेचिया, सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हिज हॉर्स, किनू मैनू मी, सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया मी। सो बच्चों यार बड़ा ही सौखा सी, सब जगह देखो तुसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच यूअर सैल्फ मी सविता हर हिज हिम सॉरी हिम हिमसैल्फ, यह सारी चीज़ें जड़ियाँ बड़ा सौखा है। सो इस दो ऑब्जेक्ट होंगे ने, एक होंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो अगे चलिए, हूँ आ गई आखिरी एक्सरसाइज इस वीडियो की, पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की होंगे बच्चे, ऑब्जेक्ट तुम्हें पता है एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोई वर्ब करता है एक्शन करता है, सब्जेक्ट होंगे है वो हस्ती वो डूअर वो करण वाला, वो करण वाली कोई मशीन हो सकती है, करण वाला कोई बंदा हो सकता है, जानवर हो सकता है। ठीक है, तो वो जेदे ते एक्शन हुंदा है, जो उस एक्शन का रिसीवर बनता है रिसीपियंट बनता है, उन्होंने कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, हुण ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की हुंदा है, ऑब्जेक्ट बारे जिहड़ी कोई गल जोड़ के होर एक्सट्रा दसी जाए उन्होंने कहा जाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कहिंदे हुण इहदे विचों कहिंदे पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। She told me a story. हुण बच्चो इहदे विच नो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इहदे विच कॉम्प्लीमेंट कोई है ही नहीं, जिहड़ा मी हैगा वह इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट हैगा, आ स्टोरी जिहड़ा हैगा वह डायरैक्ट ऑब्जेक्ट हैगा, सो इहदे विच कोई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं हैगा, क्योंकि स्टोरी दे बारे कोई होर गल नहीं हैगी। यहाँ तक ना शी टोल्ड मी अ स्टोरी दैट वॉज वेरी इंट्रस्टिंग, फिर दैट वॉज वेरी इंट्रस्टिंग असं कह सकते कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हम अगे देखिए, आई मेड हिम मैं उन्होंने बनाया, की बनाया मोनीटर, सो हिम जड़ा है ये हिम ऑब्जेक्ट है, आई मेड हिम, ठीक है, की बनाता मोनीटर, सो जो मोनीटर है बचे ए बन जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ हिम।
ए हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर आ गया शी कॉल्ड हिम अ रोग, उन्हें उन्हू एक बदमाश आख्या। हिम बंदा है, ऑब्जेक्ट है क्या, कॉम्प्लीमेंट की है आ रोग बदमाश, ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। यूअर सक्सेस मेड अस, तुहाडी कामयाबी ने सानू बनाया, की बनाया, हैप्पी, खुश, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हैप्पी, अस नू मतलब कि अस दे विच जोड़दे हुए मेड अस हैप्पी, ठीक है। सो बच्चो ऐसी तुहाडियां तीन एक्सरसाइजिज वर्ब दे नाल जुड़ियां हुई, बड़ा इंट्रस्टिंग है, ग्रामर की सारी गल्लां हैगियां इहदे विच। सो तुसी इसी तरह नेम दे नाल, अनुशासन दे नाल अपनी पढ़ाई करी चलो, ते अगले वीडियो तक लई गुड बाय। थोड़ा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद, रब रखा, थैंक यू वेरी मच।